फ्रेश था, मेरे को बहुत अच्छा लगा, दिल से बहुत अच्छा लगा। बैंड बज गया तो यार, फिर ब्लॉक अकाउंट एक्टिवेट कर रहा था। मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी 15-20 मिनट पहले ही उठा था और वीडियो अपलोड करने पे लगा रहा हूँ। शेड्यूल कर दूंगा ताकि इंडिया के हिसाब से रात को 7-8 बजे के हिसाब से आ जाए। एडिट तो मैंने कल रात ही कर दी थी, वीडियो पोस्ट करेंगे। और 10 बजे इंट्रो वाली क्लास है अपनी, 10 बजे यूनिवर्सिटी में, तो 10 बजे जाएंगे यूनिवर्सिटी में। इससे पहले रेडी रूडी होते हैं और फिर चलते हैं यूनिवर्सिटी, और आपको भी दिखाता हूं कि यूनिवर्सिटी मेरी कैसी दिखती है। और मैंने भी देखी नहीं है तो मैं भी देख लूंगा ना जाके। अभी सैंडविच बनाएंगे और दूध बन गया अपना। तो भाई, तुम्हारे भाई ने सैंडविच भी बना लिया है और दूध भी पी के जल्दी से चलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। दो बजे की अपॉइंटमेंट है, 1:40 हो गए हैं और गलत बस में बैठ के उल्टी डायरेक्शन में आ गया हूँ मैं। पैदल जाके वहीं वापस जाना पड़ेगा, वहां से दूसरी साइड की बस लेनी पड़ेगी यार। डबल टाइम लगेगा, अब पता नहीं मैं कहाँ आ गया भाई। देख लो मैं कहाँ आ गया था, ऐसे ऐसी जगह आ गया मैं। स्टांस देख रहे हो इस गाड़ी का, क्या खतरनाक है। 1:55 हो रहे हैं और अब जाके टॉप पे आया हूँ। 4 मिनट बाद बस आएगी, 2:15 पहुँच आएगी, 15 मिनट ले। वो कुछ कहे ना, वैसे बैंक अकाउंट खुल जाए यार। भाई 2:15 हो गए पूरे पूरे, अब वहाँ जाना है फोर्ड क्रॉस करने के बाद। लोस गेट्स दिस पार्क प्लाजा। भाई अकाउंट तो खुल गया है, 3.9 यूरोस पर मंथ लगेंगे, जो अकाउंट खोलने की फीस होती है पर मंथ लगते हैं, मतलब अकाउंट चलाने के। और स्टाफ एक नंबर, बहुत बढ़िया स्टाफ था भाई। अब मुझे नहीं पता बाकी भी यहाँ पे स्टाफ ऐसे ही है कि नहीं, पर ये स्टाफ मेरे को बहुत अच्छा लगा, दिल से बहुत अच्छा लगा। अभी फोर्ड का शोरूम है, फोर्ड चलते हैं अगर गाड़ी देखने। देखने में एक चीज़ है, जब मैं दरवाजा खोलूँगा ना ये नहीं हिलेगा, ये हुड के साथ इंटीग्रेटेड है, मतलब रिमूवेबल है, मतलब पूरी गाड़ी वो है, कस्टमाइजेबल है। फ्रेमलेस डोर्स। एक फीचर दिखाऊं, जब मैं दरवाजा खोलूंगा ये शीशा डाउन हो जाएगा, ग्रैब हैंडल, रूफ रिमूवेबल रूफ है पूरा का पूरा, एकदम रैंगलर या फिर थार। और ये रेनॉल्ट का है, रेवोल्यूशन देख रहे हो गाइस, डस्टर। इस गाड़ी को तो जानते ही होगे तुम, ये यहाँ भी आ गई है भाई। लिटरली मजा आ गया, मतलब ऐसी फील आती है रैंगलर वाली, पर एक लेवल ऊपर है। वैसे तो फोर्ड चली गई इंडिया से, कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, एंडेवर आ रही है, पर ये गाड़ी कभी नहीं आएगी इंडिया, कभी भी नहीं आएगी। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं बस स्टेशन जाऊँ, बस से जाऊँ अपने रूम तक, या फिर ये सीधा रास्ता जा रहा है एकदम सीधा पैदल पैदल 15 मिनट का वक्त। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे चल जाता हूँ, और मेरे को ऐसे लग रहा है कि सुबह बस मिस करने के चक्कर में जो मैंने आधा घंटा वेस्ट कर दिया, आधा पौना घंटा लग गया मेरे को, जिसमें मैं पैदल भी चला हूँ, ठीक है, और ऐसे ही मैं सीधा आ सकता था, 15-20 मिनट लगते मैं पहुँच जाता, पर चलो कोई दिक्कत नहीं हुई मेरे को, उसके लिए मज़ा आ गया। और ये देखो भाई, अभी घर जाते हैं, ऐप डाउनलोड करते हैं स्पार्क प्लाजा का, उसमें अपना एक्टिव करते हैं बैंक अकाउंट, और फिर ब्लॉक अकाउंट को एक्टिवेट कर, फिर देखते हैं पैसे कब तक आएंगे, आ जाएंगे कल आएंगे। फिर नेक्स्ट डे हेल्थ इंश्योरेंस भी एक्टिवेट करना है, फिर जिस दिन हमारा कार्ड और पिन, 1 हफ्ते बाद या हफ्ता 10 दिन लगेगा उसको आने में, जिस दिन वो आ जाएगा उस दिन हम सिम कार्ड भी ले लेंगे। सिम कार्ड पता नहीं कौन सा लेंगे, जो बढ़िया लगेगा ले लेंगे। तुम कोई सजेस्ट कर सकते हो तो बता दो, और तब तक तो मैं ले लूँगा या फिर नहीं लूँगा, तब तक 7 दिन लगेंगे ना, तो तुम बता देना कौन सा लेना है, वही ले लेंगे, ठीक है। शांति चेक करो यार, कितनी शांति है। अभी ब्लॉक अकाउंट एक्टिवेट कर रहा था, ऑलमोस्ट सारी डिटेल वगैरह डालने के बाद कह रहा है कि पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, एक को QR कोड है उन्होंने सेंड किया है, वो उन्हें दिखाना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए। पता नहीं, मैंने जितना देखा रिसर्च की थी उसमें लिखा था कि ऑनलाइन ही रहता है, बैठे बैठे बस अकाउंट वगैरह डालो, डिटेल डालो, पर अपने आस पास का उसमें लिखा कि पोस्ट ऑफिस जाओ, वो QR कोड स्कैन कराओ, पासपोर्ट दिखाओ, तब जाके एक्टिवेट होगा, वेरिफिकेशन की। पता नहीं क्यों है, या अभी अभी
हो सकता है उन्होंने स्टार्ट किया हो, तो वहीं जा रहा हूँ पोस्ट ऑफिस। जिस पोस्ट ऑफिस वाले बंदे पे गया उसको इंग्लिश नहीं आती थी और मुझे जर्मन नहीं आती थी, वो मुझे देख रहा, मैं उसे देख रहा, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। फिर मैं दूसरा देखा, वहाँ से भाग के आया दूसरे को वहाँ पे, मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया था कि नेटो के पास है एक, मैं दूसरी साइड चला गया था, मतलब वो पास पड़ रहा था, तो फिर मैं यहाँ आया, इसने कर दिया था, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, कर दिया इसने। अगर वो भी थोड़ा सा, उसको पता ही होता है यार कि पोस्ट ऑफिस वाले कोई स्कैन करके आइडेंटिफाई करके करना है, और पर उसने करा नहीं यार, ना उसने समझाने की कोशिश की कि वो क्या कहना चाहता। चलो कोई नहीं, हो गया, पोस्ट ऑफिस वाला हो गया, बाकी देखते हैं क्या प्रोसेस होता है, वो करता हूँ मैं जल्दी से ताकि ब्लॉक अकाउंट के पैसे जल्दी आए। बैंड बज गया लातों की यार, देखते हैं अभी कितना टाइम लगेगा इसको। तुम्हारा भाई नमकीन चावल बना रहा है और यहाँ पे दही लगा ली है, डाल ली है इसमें, सब काम सेट है, बस चावल बढ़िया बने तो मजा आ जाएगा। टेस्ट कर लेते हैं भाई कैसे हैं। कुछ कमी लग रही थी तो मैंने क्या करा, पानी डाला, थोड़ा सा नमक डाला और एक सीटी और मरवा दूंगा, ठीक बन गए भाई। 9:30 हो गए हैं, वीडियो एडिट कर रहा था, कल सुबह पोस्ट कर दूंगा इस वीडियो को। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर यहाँ तक आ गए तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।